कैसे हो? वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम मोरा भाई। सो गाइस यार, दोबारा से तुम्हारा भाई लेके आ गया एकदम यार मोंटाज का ट्यूटोरियल। पिछली क्लिप आपने देखी ली होगी कैसे यार हर बीट्स पे हमारी क्लिप चेंज हो रही थी, जो फास्ट बीट आ रही थी। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना है आपको, क्या करना है बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट में करके बताना क्या करना है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को, एंड शेयर कर दो अपने पबजी फ्रेंड के साथ में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस। सिंपली गाइस करना क्या है, आपने प्लस वाला आइकन पे टाइप कर लेना, स्क्रीन पॉइंट 9 का रेशियो लेना है यहाँ पे आपने। नाउ क्या करना है, एक बैकग्राउंड ले लेना है कोई सा भी, जैसे कि मैं ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड इसे जूम आउट करके फुल बड़ा कर देना, मतलब 4-5 मिनट का यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसे कि 7 मिनट का यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। नाउ क्या करना है, आपने सॉन्ग ऐड कर लेना है। एंड बता दूं यार, सॉन्ग ऐड करने से पहले यार आपको हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है यार। यहाँ यूसी डाउनलोड्स में मैं चला जाता हूँ, ये सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। नाउ क्या करना है गाइस, सारा खेल बुकमार्क्स का है। अगर आपने बुकमार्क्स लगा लिए बीट्स पे तो यार मोंटाज आपकी इस तरह से रेडी होगी, एकदम तबाही वाला लुक आ जाएगी। नाउ सिंपली क्या करना है, बुकमार्क्स लगाने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो में बचा चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ एक बार क्या दिक्कत आ रही है। नाउ वीडियो को यहाँ से मैं सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्ले पे बटन पे टैप करना है, जहाँ जहाँ बीट्स आ रही वहाँ बुकमार्क लगाते चले जाना है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं बुकमार्क्स लगा रहा हूँ आराम से, जहाँ बीट्स आ रही है वहाँ पे आराम से बुकमार्क्स लगा लेनी है। एंड क्या होता है गाइस, एक तो स्लो स्लो बीट्स आती हैं, एक यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इस सॉन्ग में फास्ट फास्ट बीट आ रही है, ठीक है गाइस। और एक हो रही है, एक जो बीट्स आ रही हैं वो बहुत तेज आ रही हैं, बहुत तेज, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लिप चेंज वाला, ठीक है गाइस। सो इसी तरह से आपने पूरे सॉन्ग्स में बुकमार्क्स लगा लेने हैं। पूरे सॉन्ग्स में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गाइस जहाँ तक लगानी है, जो फास्ट बीट जहाँ पे एकदम से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है गाइस, वहाँ तक लगानी है। 35 सेकंड्स तक हैं वो बीट्स, ठीक है गाइस। नाउ क्या करना है, पहले सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। डिलीट करने के बाद मीडिया पे जाना है, जो भी आपकी वीडियो क्लिप है यहाँ पे वो ऐड कर लो, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पैराशूट वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। नाउ क्या करना है, आपने पहले बुकमार्क्स पे चला जाना है। सिंपली गाइस देख सकते हो पहले बुकमार्क ये रहा, पहले बुकमार्क पे चले जाना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्प्लिट एट प्ले एड कर देना है आपने। नाउ इसकी स्पीड को यहाँ पे 4x कर दो। स्पीड को 4x करने के बाद वीडियो क्लिप पे टैप करो। याद रखे गाइस, जूम इन कर लेना इस तरह से, जब बुकमार्क्स लगाओ जूम इन कर लेना। जूम इन करके बुकमार्क्स बहुत बढ़िया लगती हैं, ठीक है गाइस, हर बीट्स पे बुकमार्क लगती है जूम इन करके, ठीक है गाइस। नाउ सिंपली स्प्लिट एट प्ले एड करना है हमें, जहाँ से ही इनेबल हो जाता है स्प्लिट एट प्ले एड, इनेबल कर दिया, ठीक है गाइस। जो ये वाली बीच वाली क्लिप है, इसकी स्पीड पे गलती से भी क्लिक करना है। अगर सपोज जेड आप स्पीड पे क्लिक कर देते हो, ये 1x हो जाएगी वापसी। वापसी से 4x कैसे करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर उंडो का बटन आ रहा है, इस पर टैप कर देना है, ठीक है गाइस। सो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस क्लिप पे क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस बीट सिंक वाली वीडियो पे कि किस तरह से इन क्लिप ग्राफिक्स को आपने ऐड करना है। यहाँ पे स्वीट लाइस वाला मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। जो अगली क्लिप है उसे स्पीड 1x कर दो। इसी तरह से जो नॉर्मल सिंगल टैप बीट आ रही है उन पे इसी तरह के इफेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है गाइस। इसी तरह से स्पीड उनकी 4x करनी है, ठीक है गाइस। इसी तरह से स्प्लिट एट प्ले हेड करना है उस पर। इसी तरह से क्लिप ग्राफिक्स का इफेक्ट लगाना है, कोई सा भी यार, कोई सा भी, जो भी उस वाली वीडियो में मैंने इफेक्ट दिए थे उनमें से कोई सा भी, सारे कमाल इफेक्ट्स हैं एकदम। नाउ स्पीड अगेन वैसी। उसके बाद क्या करना है गाइस और बता देता हूँ आपको। उसके बाद एक बार, उसके बाद जो ये वाली सिंगल टैप वाली बीट्स हो गई, उसके बाद हमारी है डबल टैप वाली बीट। उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे बीट्स फास्ट हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं फास्ट, लेकिन धीरे धीरे हो रही हैं, ये रही गाइस, धीरे धीरे फास्ट हो रही हैं। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हो गाइस यहाँ पर धीरे धीरे फास्ट हो रही हैं, धीरे धीरे। सो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पर टैप करना है, इस वाली बुकमार्क पर जाके एडिटिंग पे जाना है। अब ये जो आपको दिख रहा है डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ अ लेयर, सेकंड वाला डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ अ लेयर, इसे फुल स्लो कम कर देना, मतलब फुल कम कर देना है। एंड देन सिंपली राइट टैप कर देना है। उसके बाद लेयर पे जाना है, मीडिया पर जाना है, एंड एक बैकग्राउंड पे जाना है, वाइट कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना है। जूम कर दे, मतलब फुल स्क्रीन पे सेट कर देना है, और इसकी टाइमिंग ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, आपने छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। नाउ सिंपली इस पर क्लिक करके नीचे आना है, ब्लेंडिंग मोड पे ओवरले कर देना है इसे, एक्सपोजर इफेक्ट्स ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो गाइस। इसी तरह से ये जो डबल टैप्स हमारी बीट्स हैं, इन पे इसी तरह से एक बैकग्राउंड ऐड करना है ये वाइट कलर का,
करते हैं, सिंपली इसे ओवर ब्लेंडिंग में जाके ओवरले कर देना है। ठीक है गाइस, अब ये तो हो गई डबल टैप बीट्स। उसके बाद गाइस हमारी आ रही हैं ट्रिपल टैप बीट्स। ट्रिपल टैप बीट्स क्या होती है गाइस, फास्ट होती है एकदम, बहुत फास्ट होती हैं। इन पे क्या करना है हमें, क्लिप चेंज करनी है। तो क्लिप चेंज करने के लिए क्या करना है, स्प्लिटेड प्लेट करना है। ठीक है गाइस, ये जो राइट वाली क्लिप आ गई यहाँ पे, इसे डिलीट कर। डिलीट करने के बाद मीडिया पे जाओ आराम से। मीडिया पे जाने के बाद क्या करना है, आपने कोई दूसरी वीडियो ऐड कर लेनी है यहाँ पे। बता दूँ गाइस, दूसरी वीडियो ऐड करनी है, जैसे कि सपोज दैट ये वाली वीडियो हो गई। ठीक है गाइस, ये वाली वीडियो ऐड कर रही है हमने। उसके बाद क्या करना है देख सकते हो गाइस, मैं बता देता हूँ। पहले चला जाता हूँ जहाँ पर वीडियो ऐड हुई है, मैंने फुल जूम इन करा हुआ था, थोड़ा टाइम लेगा स्टार्टिंग मोड पे जाने के लिए। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बीट आई, क्लिप हो गई चेंज। उसके बाद अगेन बीट आई यहाँ पे, उसके बाद अगेन स्प्लिटर प्लेट कर दूंगा, फिर से इसे डिलीट कर दूंगा। एंड मीडिया पे जाके अगेन कोई और सी वीडियो क्लिप यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है गाइस, यार बीट का खेल है बस यार, एकदम ऐसा तबाही वाला ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ। और गाइस बता दूं यार, पक्का पूरा ट्रेन करके ही जाऊंगा आपको, तभी लीव करूंगा यूट्यूब को, अदरवाइज यूट्यूब लीव ही नहीं करूंगा गाइस। ऐसा मोंटाज एडिटर बना दूंगा आपको, पीसी वाले पूछेंगे भैया क्या राज है आपकी एडिटिंग के पीछे। ठीक है गाइस, सो सिंपली चला जाता हूँ जहाँ पर वीडियो ऐड हुई है। मैंने जूम इन करा हुआ है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, जूम इन करके करना काम, जाए जो भी करो जूम इन करके करो। ठीक है गाइस, ये तो हो गई गाइस क्लिप चेंज। ठीक है गाइस, नाउ एक चीज़ और होती है। एक चीज़ क्या होती है, जैसे ये जो फास्ट बीट्स हैं, इस पर क्या होता है, एकदम से वीडियो ना थोड़ी आगे चली जाती है। वो कैसे करनी है आपने, जैसे कि यहाँ बीट आई, स्प्लिट एट प्ले हेड, आप थोड़ा सा आगे चले जाना है, थोड़ा सा आगे कर दो इसे। जैसे कि वहाँ नोक हुआ, और यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा आगे चले जाओ, बस थोड़ा सा ट्रिम टू लेफ्ट कर दो इसे। ठीक है गाइस, इसमें भी एकदम इफेक्ट से लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे पहले शुरू में कुछ और चल रहा है, एकदम से कुछ और आ गया। देख सकते हो, मैं चला के दिखा देता हूँ, एकदम से चेंज हो गया। एकदम से इस वाली बीट्स पे जाओ, इस पे भी स्प्लिट एट प्ले ऐड कर दो, आगे की तरफ चले जाओ थोड़ा सा। यहाँ पे रीलोड हो रही थी, यहाँ पे वापसी गन आ गई वहाँ पे। ठीक है गाइस, अगेन अगली वाली बीट्स पे जाओ, इसी तरह से स्प्लिट एट प्ले ऐड करो, आगे की तरफ चले जाओ थोड़ा सा, आगे की तरफ। देख सकते हो गाइस, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, एकदम से स्प्लिट ट्रिम टू लेफ्ट कर दिया। ठीक है गाइस, आगे जाओ, स्प्लिट एट प्ले ऐड करो, ठीक है, वीडियो आगे कर दो एंड ट्रिम टू लेफ्ट कर दो। इससे भी यार एकदम तबाही वाला, ये भी एकदम तबाही वाला लुक आता है यार आपके मोंटाज क्लिप्स में। सो गाइज यार देखो, इससे अच्छा और मैं आपको नहीं सिखा सकता। वेट करना अगले ट्यूटोरियल वीडियोस का, इसी तरह की तबाही तबाही वाली ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा मोंटाज के लिए। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड गाइज यार बता दूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना आपको मोंटाज एडिट करने में, कोई भी, चाहे आप किसी और की वीडियो देखो, लेकिन गाइज एंड्रॉयड की होनी चाहिए वो, मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है @iambhura, एंड यार फॉलो भी कर देना। सो गाइज यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, मेरे को थोड़ी सी नींद भी आ रही है, बाय। Good, 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 good